ओम शांति। आज रही अमृतधारार कार्यक्रम तरफ आपण मानू हार्दिक स्वागत जनावि। मोर प्रिय आध्यात्मिक प्रेमी भाई भौनी माने, आज आमे आध्यात्मिक शिक्षा उपरे विचार करिबा। वास्तवरे शिक्षा कौन एवं आध्यात्मिक शिक्षा कौन? शिक्षा एमिति एक साधन जहाँ व्यक्ति को संपूर्ण रूपे श्रेष्ठ करि गढ़ी तोली थाए। शिक्षा रे व्यक्तिर पूर्णांग सर्वांगीन उन्नति होइथाए। शिक्षा एमिति एक पद्धति जहाँकि व्यक्तिर आंतरिक अंतर्निहित शक्ति एवं योग्यता को परिप्रकाश कराइथाए एवं आग को अग्रसर हेबारे सहयोग देइथाए। शिक्षा व्यक्तिर नैतिक चरित्र निर्माण करिवार मध्यम एक दृढ़तापूर्वक मनुष्य ही आग को नहीं थाए। किंतु दुखर विषय जे वर्तमान श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली रा अभाव कारण संसार जो परिस्थिति सृष्टि होइछि ताहा बहुत भयंकर हो जाइछि। किंतु आज आम से विषय देखिबा ये शिक्षार अभाव कारण समाजर परिस्थिति कौन। वर्तमान शिक्षा रे मानवर स्तर तो बहुत उच्चा हो गला, किंतु चरित्र स्तर एकदम नीचा हो जाइछि। मानव जीवन यही ही लक्ष्य हो जाइछि, सरल जीवन एवं उच्च विचार को भूली मनुष्य आज मृग तृष्णा परी चतुर्दिग घूरी बुलुछि। जदि आमे तार व्यक्तित्व को निरीक्षण कर देखिबा ताहले ए देखा जाउछि जे फैशनेबल जीवन अर्थात आधुनिकता जीवन एवं हीन विचार आचार रा जो भावना ये ही तार जीवन हो गला। किंतु विडम्बना यही जे जीवन रु नैतिकता एवं आध्यात्मिकता संपूर्ण रूपे विदाई नहीं सारी। तमगुणी आचार व्यवहार ही मनुष्य को एक जेपरी आदर्श बनई देछि। वर्तमान मनुष्य तार जीवन को एमिति कलुषित कर सारानी जहाँकि आध्यात्मिकतारु संपूर्ण दूरे जाइछि। श्रृंखलित जीवन जापन करिबा पाई केते से पछरे पड़ जाउछि, किंतु श्रेष्ठ जीवन बितेबाकु न चाहि एक कष्टकर जीवन मध्यरे ता जीवन अतिवाहित हेउछि। वर्तमान मनुष्य जेउ विचारधारा रे भूल करुछि एवं विचारधारा श्रृंखला नष्ट हो जाइछि, तार परिणाम स्वरूप नैतिकता एवं सत्य असत्यर विचारधारा रे से तार जीवन को एकदम तलक नहीं सारे। श्रृंखला जीवन जापन करिया पाई वर्तमान आध्यात्मिकतार आवश्यकता रही। शिक्षा द्वारा मनुष्य वर्तमान जीवन रे सबकिछि करि पारिबो, किंतु शिक्षार प्रणाली ठीक हेबा दरकार। शिक्षा नथिबा कारणरु आज जीवन नैतिकता ठू एकदम दूरे जाइछि एवं आध्यात्मिकता रे कांगाल हो जाइछि। तेणु विज्ञान वर्तमान स्तर रे मनुष्य तो सबकिछि उपलब्ध करुछि, सबकिछि पाई पारुछि, किंतु दैनंदिन जीवन रे विज्ञान दिन को दिन बहुत किछि आविष्कार करुछि एवं
समाज को बहुत किछि प्रदान करुछि, किंतु व्यक्ति ए सब किछि प्राप्त थिला सत्ते एक अन्वेषण बा खोजर अछि कि मते आउ किछि शक्ति दरकार। किंतु वर्तमान विज्ञान जेउ समाज को सब किछि देउछि ताही शिक्षा द्वारा ही सब किछि श्रेष्ठ होई पारिवो। तेणु विज्ञान को जदि आमे निरीक्षण करिबा ताहले देखि पारिबा विज्ञान द्वारा मनुष्य पक्षी परि आकाशरे डेणा लगाई उड़ी पारुछि, चंद्रमार माटी धरित्री को छुई पारुछि, किंतु एही जीवन भितरे मनुष्य तो उड़ीबा सिखी गलानी किंतु भूईरे चालीबा भूली गलानी। तेणु एही जीवन भितरे आमको एमिती एक आदर्श जीवन आध्यात्मिक जीवन बीतेबा को पड़िबो, जहाँ द्वारा कि आमे आम नैतिकता को एवं श्रेष्ठ चरित्र को प्राप्त करि पारिबा। तेणु आसंतु देखिबा जे विद्यार्थी जीवन रे शिक्षार अभाव कारण रु केउ समस्या सृष्टि होइछि। विद्यार्थी हेउछि राष्ट्रर मुख्य अंग, सेथि पै कहा जाए स्टूडेंट इज द बैकबोन ऑफ नेशन। विद्यार्थी केमिति हबा दरकार, किंतु आजर विद्यार्थीर अर्थ हेउछि जे समाजर सेवा करिबा, ज्ञान अर्जन करिबा, समाज सेवा द्वारा देशर मध्य सेवा करिबा। किंतु आजर विद्यार्थी अनशन आंदोलन एवं भंगारुजा करिबा एवं बहुत अनैतिक लिप्त रहुछि, तेणु से भावुछि एही जीवन रे आदर्श वास्तव रे एही कर्म विद्यार्थी को चरित्रहीन करै दे थाए। कहा जाए चरित्र नथिले किछे नाही, अर्थात क्यारेक्टर इज लस्ट, एवरीथिंग इज लस्ट, क्यारेक्टर इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। तेणु जीवन रे जीवन रूपी गृहर चरित्र हेउछि मूलदुआ, जदि मूलदुआ मजबूत न थाए ताहले से घर जल्दी भुसुड़ी पड़े। सेहिपरि विद्यार्थीर जीवन जदि नैतिकता रे चरित्र रे श्रेष्ठता रे मजबूत न थाए ताहले से विद्यार्थी समाज को एक कलंक। तेणु विद्यार्थी जीवन एक श्रेष्ठ जीवन हवा दरकार, सेथिपाई आमको विशेष ध्यान देवा को पड़िबो एवं तार मूलदुआ को ठीक भावे गढ़ी तोलिबा। वर्तमान विद्यार्थीर जीवन अनुशासनहीन एवं तार जीवन नैतिकता विहीन जीवन, ए सब हबार कारण हेउछि मुख्यतः दायी वर्तमान शिक्षार प्रणाली। वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली पुस्तकगत विद्या दिया जाउछि, कौन आपण माने भावुछन्ति यहाँ द्वारा विद्यार्थी जीवन सफल हो पारिब? विद्यार्थी जीवन रे तार मन वचन कर्म रे संपूर्ण मर्यादा युक्त एवं श्रेष्ठता को पाई पारिब? किंतु आज हमें समस्ते सचेतन हवा दरकार विद्यार्थीर जीवन को शिक्षा क्षेत्र रे किपरि श्रेष्ठ करिबा। तेणु आध्यात्मिक द्वारा ही विद्यार्थी जीवन श्रेष्ठ हो पारिब। आध्यात्मिकता हेउछि जीवनर आधारशिला। तेणु वर्तमान आमर शिक्षार प्रणाली एमिति होउ जहाँ कि मनुष्यर जीवन रूपी मानविकता ज्योति जाग्रत हेउ एवं जनसमाजरे सुख शांति एवं नैतिकता भरी जाऊ।
तेणु आसतु आम देखा आध्यात्मिकतार अर्थ कौन। आध्यात्मिकता हेउछि एपरी एक शक्ति जहाद्वारा मनुष्य जीवन रे सबकिछि प्राप्त करिपारिबो। वर्तमान मनुष्य जीवन यात्रा रे आमे समस्ते हेउछे यात्री, समस्ते यात्रा रे दौड़ुछंती, किंतु लक्ष्य विहीन होई आमर अंतिम लक्ष्य को आमे केबे जानी पारुने कि जीवन रा लक्ष्य कौन, जीवन रा लक्ष्य स्थल रे आमे केमिति पहुंचिबा। किंतु आध्यात्मिकता एक श्रद्धार विषय नुहे। आध्यात्मिकता हेउछि जे ईश्वर को जानिबा, यही संसार प्रत्येक तथ्य को भल भाव अनुध्यान करिबा, जीवन को परिवर्तन करिबा। किंतु आध्यात्मिक जीवन रे एक उपहार, आध्यात्मिकता जीवन विकास कराइबारे संपूर्ण सक्षम। आध्यात्मिकता मनुष्य को एपरी सुख शांति, सुंदर परिवेश, सुंदर समाज, सुंदर परिवार गठन करिबारे सहायक होइथाय। एही आध्यात्मिकता आम मानंकु एक सुंदर जीवन, श्रेष्ठ चरित्र जीवन गठन कराइबारे संपूर्ण सहायक। वर्तमान ये प्रश्न उठुची जे सबु समस्यार तो समाधान आमे आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा ही करी पारिबा, किंतु आध्यात्मिक शिक्षा को आमे जीवन रे केमिति धारण करिबा बा केमिति धारण कले आम जीवन सफलता को प्राप्त करी पारिबो। एही आध्यात्मिकता को विश्लेषण कले जाना जाए केवल भारत वर्ष पाई, जे भारत हेउची धर्म बहुल देश, भारत एमिति एक राष्ट्र, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, जहाँ कि बहुत धर्मर समागम, जेतिकि एठी धर्म रहिची सेई प्रकार रो विभिन्न धारणा नियम मध्य रहिची। तेणु एबे विचार आसुची जे शिक्षागत क्षेत्र रे विद्यार्थीर वर्तमान सबु धर्म मध्य रे केउं धर्मर धारणा एवं नियम को आमे विद्यार्थीर विषयवस्तु रखिबा जहाँ को समस्ते मानिबे, किंतु एमिति यार समाधान नाही जे कौनसी धर्मर विषयवस्तु को आमे धारणा मान्यता को आमे विषयवस्तु करिपारिबा। किंतु एहा कौन सत जे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बोली भारत रे कौन आध्यात्मिकतार स्थान नाही? वास्तव रे धर्म अनेक नुहे। धर्म अर्थ हेउची जीवन रे नैतिकता को धारण करिबा, जीवन रे सहनशीलता, धैर्यता, नम्रता, ए सबु दिव्य गुण को धारण करिबा ही धर्म। किंतु आमे धर्म को न जानी आज आमे अनेक भितरे भटकुचे, जहाँ द्वारा कि समाज रे ना आमे विद्यार्थी को शृंखलित शिक्षा दे पारुचे, ना आमे शृंखलित जीवन जापन करि पारुचे। तेणु एही आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली विद्यार्थीर एमिति हबा दरकार जहाद्वारा कि एही धर्म अर्थात धारणा, एही नियम, एही दिव्य गुण को से जीवन रे धारण करि एक श्रेष्ठ आदर्श मानव होइ परिबो। एही शिक्षा विद्यार्थी पाई बा आमर शिक्षा प्रणाली रे आध्यात्मिक शिक्षा को जदि स्वतंत्र करा जाए, होय तो विद्यार्थी ता जीवन रे आगु को अग्रसर होइ परिबो एवं समाज एक सुस्थ समाज होइ परिबो। तेणु ए आध्यात्मिक शिक्षा हेउछि
प्रथम तो सो उपरे अध्ययन करिबा अर्थात ये समस्त को ज्ञात होगा दरकार जे वास्तव में किए आत्मा एवं शरीर मध्य कौन अंतर रही मोर स्वरूप मोर शक्ति कौन मु केउठु आसी ए संसार रे मोर कर्तव्य कौन ए सबू जदि विद्यार्थी को जना जाए तत्सहित ए मध्य तार दैनदिन जीवन रे सहनशीलता त्यागमय जीवन ए सबर शिक्षा दिया जाए तेणु विद्यार्थी जीवन निश्चिंत रूपे परिवर्तन आसीब निश्चिंत से श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करिबो तत्सहित ए मध्य आध्यात्मिक शिक्षा हवा दरकार जे आम समस्तंकर पिता परम पिता परमात्मा हेउछंती एक तेणु जेहेतु समस्तंकर पिता एक तेणु आमे समस्ते भाई भाई जदि यही भाई भाईर स्मृति रहिबो ताहले विश्व भातृत्वर विश्व बंधुत्वर भावना ही समस्तंग भितरे जागृत हब जहाँ द्वारा धर्म भेद एवं जाति भेदर जो भावना रही दूरीभूत हो सहित विद्यार्थी ए मध्य ज्ञात हवा दरकार जे तार जीवन को से किपर आदर्श करिबो एवं से शिक्षा द्वारा एमती अनुभव करू कि मो जीवन कौन थिला एवं मो जीवन कौन हो गला तेणु यहीपरि चरित्र को यदि से गठन करिबो तेणु ए समाज श्रृंखलित समाज हो पार तेणु यहीपरि आध्यात्मिक शिक्षा देवापाई वर्तमान परमपिता परमात्मा स्वयं निराकार ज्योतिबिंदु शिव परमात्मा धरापृष्ठ रे आज को 73 वर्ष हला अवतरण कर सारी अज्ञान रो अंधकार रे भटकु थिबा ए मनुष्य को श्रेष्ठ शिक्षा श्रेष्ठ दिग्दर्शन दबा पाई एही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान करुछंती परमपिता परमात्मा शिव निराकार प्रजापिता ब्रह्मांकर साकार माध्यम नहीं वर्तमान ज्ञानर अमृत धारा को सारा विश्व रे प्रवाहित करुछंती एवं जहाँ कि मानवर मूल्यबोध आध्यात्मिक चरित्र एहिपरि निर्माण करिवारे संपूर्ण सहायक तेणु आसंतु आमे समस्ते मिसी एहार लाभ नवा एवं परमात्मा प्रभु पितांकर आमे समस्ते संतान तेणु परमात्मांकर जो आध्यात्मिक शिक्षा ए मध्य समस्तंक पाई एक तेणु आमे समस्ते एहार सुजग नवा ओम शांति। Sorry.
किरमीच घर बाली घर साम के शरीर मीच घर बाली घर साम आज काली भांगी जीव लभिले मरण आज काली भांगी जीव लभिले मरण शरीर मीछ घर बलि घर साम ए शरीर मीछ घर बलि घर साम जीवन मुक्ति निमन्ते कर तुरे आचरण बेल थाउ थाउ मन पाई जाओ आत्मा ज्ञान जीवन मुक्ति निमन्ते कर तुरे मरण मधे बीति जाए तोर दिन जन्म मरण मधे बीति जाए तोर दिन बीति जाए तोर दिन के शरीर मीछ घर बाली घर साम के शरीर मीछ घर बाली घर साम मध्यरे सार एका पिता परमात्मा तांकरी आश्रय नेले मिले दिव्य ज्ञान चेता असार मध्यरे सार एका पिता परमात्मा तांकरी आश्रय नेले मिली जाए दिव्य चेता अलिश ककु दीदी स्मर शिव परम ब्रह्म अलिक सुख कु दीदी स्मर शिव परम ब्रह्म अलिक सुख कु दीदी स्मर शिव परम ब्रह्म स्मर शिव परम ब्रह्म ए शरीर मीछ घर बालि घर साम रे निरे सारे मा पानी पानी सानी पमारे निरे ए शरीर मीछ घर बालि घर साम आजि काली भांगि जीव लभिले मरण लभिले मरण ए शरीर मीछ घर बालि घर साम ए शरीर मीछ घर बालि घर साम ए शरीर मीछ घर शरीर मीछ घर।
पाली गरोसा।